सरहदों पर, भारत के भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो 2 महीने से वार्ता क्यों चल रही है? राजनयिक स्तर की वार्ता, सैन्य स्तर की वार्ता, सेना के अधिकारियों के बीच वार्ता क्यों चल रही है? कांग्रेस पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए और खासतौर से परिवार को सोचना चाहिए कि ये परिवार जो है वो अपने 50 साल के पप्पू को किसी पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में भेजे ताकि जो है इस तरह की लंपट लफाजी से पर लगाम लग सके। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो बातें प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कही उससे देश में तो कन्फ्यूज़न हुआ ही, लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे चीन को मिल रहा है। इस तरह के मसलों पर विरोधाभास हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर एक श्वेत पत्र आ जाना चाहिए, क्योंकि व्यग्र मुल्क है और एंग्सस मुल्क को इन सवालों के जवाब चाहिए। इस सियासत की कोई सरहद नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, वही वीडियो जो हमने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया था। और राहुल गांधी ने कैसे साधा है नरेंद्र मोदी पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे वक्त पर चीन क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। चीन ने जवानों को मारा और उसके बाद तारीफ क्यों? मीडिया रिपोर्टिंग पर राहुल की प्रतिक्रिया है। हम आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार एक के बाद एक हमला कर रहे हैं राहुल गांधी। चीन ने हमारे जवानों को मारा, चीन ने हमारी जमीन ले ली, लिखते हैं राहुल गांधी। फिर इस विवाद में चीन क्यों मिस्टर मोदी की तारीफ कर रहा है? राहुल गांधी का ये ट्वीट लगभग आधे घंटे 40 मिनट पहले। और अब इसके बाद आपको जल्दी से दिखा देते हैं वो वीडियो जो सामने आया है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये वीडियो हाल फिलहाल का है। हालांकि तारीख पूरी तरह से साफ नहीं है, ना ही वक्त, लेकिन इसमें चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में आप झड़प देख रहे हैं, जिसमें वो पीछे हटने को चीनी सेना को कहते हैं, वो मानते नहीं है, फिर धक्का मुक्की होती है, घुसे दम कर उन्हें पड़ते हैं। मास्क लगाकर सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हाल फिलहाल का वीडियो सिक्किम के पास का हो सकता है। तो इन तमाम चीजों के बीच चीन पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरकार भरोसा दिला रही है, प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, विपक्ष है कि मानता नहीं। पहले राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा था, अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी नसीहत दे डाली। मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा के वार के बाद राहुल ने फिर नया तीर चला, मतलब यह कि सियासत की कोई सरहद नहीं। रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। राहुल गांधी को सरकार के खिलाफ चीन के मोर्चे पर अब साथ मिला है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह के इस साथ को राहुल ने नया हथियार बनाकर बीजेपी पर तंज कसा। अब इस नए हथियार पर हमला बोल दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। यानी उधर सरहद पर सेना को चीन के खिलाफ पूरी छूट मिली है और इधर सियासत अपने सियासी पोस्चरिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में ये दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी। मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा और सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये भी कहा,
हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही पिछलग्गु सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। इस बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो सरकार को सफाई जारी करनी पड़ी कि एलएसी पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से विवाद हुआ है। मनमोहन सिंह के बयान पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, कहा देश की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सलाह माननी चाहिए। इस ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष ने सीधा हमला बोल दिया। सेना का बार बार अपमान करना बंद कीजिए, उनके शौर्य पर सवाल उठाना बंद करिए। आपने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद भी यही कहा था। राष्ट्रीय एकता का सही अर्थ समझिए, खासकर ऐसे वक्त पर। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये चिंता मनमोहन सिंह को तब करनी चाहिए थी जब उनकी सरकार ने भारतीय सरजमीन से कई किलोमीटर का हिस्सा चीन को सौंप दिया था। 2010 से 2013 तक उनकी सरकार में 600 बार चीन ने घुसपैठ किया था। मनमोहन सिंह उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसने 43,000 किलोमीटर जमीन चीन को सौंपी थी। इस सियासी जंग में अभी बहुत जान बाकी है, रोज चलेगी, लेकिन असल चुनौती तो सरहद पर है, जहां कोर कमांड स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में हुई। इधर भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि चीन के खिलाफ भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में विजय दिवस के जश्न में शामिल होने के लिए 3 दिन के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं। भारत चीन मतभेद के बीच इस दौरे का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि चीन भी इसमें शामिल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की अब शुरुआत करते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री भारत सरकार और साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से अरविंद वाजपेयी उनका साथ देंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सुप्रिया श्रीनाथ हमारे साथ जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुप्रिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत आज करना चाहती हूं। ये राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि चीन ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है, तो क्या जानना चाह रहे हैं, क्या लगता है उनको क्यों तारीफ कर रहा है? ये बात आपको अजीब नहीं लगती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं? वो एक बड़ा बयान देते हैं प्राइम टाइम टेलीविजन पर, उसको पीएमओ संशोधित करता है कुछ ही घंटों में, अगले दिन क्लैरिफिकेशन आता है कि ये बगैर बयान कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, सिर्फ 15 जून की वारदात को लेकर था, बाकी वारदात बाकी घुसपैठ पर वो बिल्कुल चुप रहते हैं। ये आपको अजीब नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को चीन का सरकारी मीडिया, चीन का पूरा तंत्र पूरे दुनिया में फैला रहा है और तारीफ कर रहा है? ये आपको अजीब नहीं लगता और भाजपा को अजीब आज नहीं लग रहा है ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट करके चीन ये कह रहा है कि गलवान वैली उनका हिस्सा है? ये तो अपने आप में प्रश्न उठना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया जिससे लगता है कि सरहद का खिलवाड़ हो रहा है और चीन इस पर अपना डंका पीट रहा है, तो ये सवाल तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा से करना चाहिए कि ये बुरा दिन है, ये खराब दिन है, एक कायर देश चीन जिसने इतनी विभत्सता का परिचय दिया आज हमारे प्रधानमंत्री की बात को पकड़कर और उस पर दुष्प्रचार कर रहा है, और इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्राइम टाइम टेलीविजन पर जो कहा वो अपने रक्षा मंत्री अच्छी खासी संख्या में, विदेश मंत्री गलवान वैली में हमारी साइड स्ट्रक्चर पे, चीफ ऑफ स्टाफ जिन्होंने कहा डीएस्केलेशन डिसएंगेजमेंट हो रहा है, उन सबकी बात से विपरीत था। और कुछ ही घंटों ने पीएमओ में अपने लिखित बयान को प्रधानमंत्री जी के शब्दों को निकाल दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? अगले दिन खंडन आता है कि नहीं नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने कल नहीं घुसपैठ की बात करी थी वो सिर्फ 15 जून की, जिस दिन 20 लोग की शहादत हुई उस दिन की बात थी। आज जो देश पूछना चाहता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 की हमारी जो गश्त है वो रुक गई है, इसलिए रुक गई है क्योंकि फिंगर 4 से फिंगर 8 में चीन घुसा बैठा है। तो ये घुसपैठ है कि नहीं है? पैंगोंग लेक के इलाके में आज चीन है, हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में आज चीन है, आज इस पर सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? और इसी स्पष्टीकरण के ना आने के कारण चीन दुष्प्रचार कर रहा है और अपना आधिपत्य जमा रहा है। आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के बयान की चीनी का जो सरकारी मीडिया है वो तालियां बजा रहा है और कह रहा है बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने? जवाब दीजिए शाहनवाज जी, क्या आप सरहद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए सुप्रिया जी, की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी को आज के दौर में डिफेंड करना आसान काम नहीं है जो करने आई।
रोज गलतियां हो रही हैं, जवाब किसे दें? चीन को जवाब दें या कांग्रेस पार्टी को जवाब दें? व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। सवाल है कि जब चाहे 62 हो या उसके बाद 12 हो 13 हो, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने यहां भूमि छोड़ दी। जो बात चाइना नहीं कह रहा, जो भूमि हमारी कब्जा करेगा तो वो दावा करेगा, वो नहीं कह रहा, वो कांग्रेस क्यों कह रही है? आपसे हम नहीं पूछेंगे आज कि 62 में 37,244 किलोमीटर आपकी गलतियों की वजह से छूटी, लेकिन वो देश का सवाल था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में बुलाया, माननीय सोनिया जी वहां पर थी, जिम्मेदारी से बताया, सब दलों को बताया, कई दल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी उसके अप्रिशिएट किया। हमारा कहना है कि आपको राजनीति करनी है, नरेंद्र मोदी जी से इतनी जलन हसद है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब देश का सवाल हो इस तरह से भ्रम पैदा करने का काम मत कीजिए। रोज राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं, कई बार जब मैं जवाब देता हूं तो मुझे लगता है क्या रोज राहुल गांधी जी को जवाब दे, लेकिन रोज एक ट्वीट करते हैं। कल भी जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली थी, मुझे उसका जवाब देते हुए भी दुख हो रहा था कि क्या अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की जबान में बोला जाएगा? क्या राहुल गांधी जी भारतीय होने के नाते भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? भरोसा कीजिए, दल से ऊपर देश होता है। आपको अगर पॉइंट स्कोर करना है तो कर लीजिएगा फिर, लेकिन अभी जहां तक देश का सवाल है, हमारे सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट ने अपनी प्राण की आहुति देकर उनके सैनिकों की गर्दन मरोड़ दी है, भारी नुकसान किया है। चाइना में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, वहां तो टैंक चला देते हैं लोग, ये डेमोक्रेसी है तो इसका नाजायज फायदा किसी को उठाना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब देश का सवाल हो तो जैसे हम डेमोक्रेसी का हम जैसे 62 में आपके साथ खड़े रहे, 12 और 13 में अंजना जी में पार्लियामेंट का मेंबर था, राजनाथ सिंह जी ने यह विषय उठाया, मैं ठीक उनके पीछे बैठा था, जब एक सवाल 12-13 का सवाल उठाया तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन का जवाब नहीं आया और राजनाथ सिंह जी को उन्होंने फिर ब्रीफ किया। हमारा कहना है कि जब हम विपक्ष में थे, आपको विपक्ष में रहना नहीं आता सुप्रिया जी, सत्ता में ज्यादा रहे, प्रैक्टिस सत्ता में रहने की है, तो विपक्ष में देश के सवाल पर आलोचना सही नहीं, जिस तरह की भाषा बोली जा रही है और उस तरह की भाषा भारत के मनोबल को कम करती है। और एक जवाब सुप्रिया जी, आपने कहा कि चाइना तारीफ कर रहा है, चाइना ने तो हमें हिंदुत्ववादी संगठन बताकर पता नहीं क्या क्या लिखा है। चाइना की तारीफ अगर आज की तारीख में चाइना का जो सरकारी मीडिया है वो आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है, चाइना को चीन का सरकारी मीडिया और सारा यंत्र प्रधानमंत्री जी की तारीफों में पुल बांध रहा है, चाइना को हमने झुककर सलाम नहीं किया बल्कि चाइनीज आर्मी की गर्दन तोड़ने का काम किया है। आपको गर्व करना चाहिए अपनी सेना पर। ठीक है, शाहनवाज जी बहकिए मत, इतना मत बहकिए, अभी फिर से आपका जवाब दूंगी। ठीक है, एक बार अनुराग भदौरिया जी के पास, अनुराग भदौरिया, बहकना क्या वर्ड होता है सुप्रिया जी? बहकना नहीं है, ये मैंने जवाब दिया है, बहकना तो पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है सुप्रिया जी, मैं बहकूंगा अभी आपका जवाब, अभी आपके आपके उठाए हुए मुद्दों का जवाब दूंगी। हाँ जरूर दीजिए, लेकिन मैं कर रहा है जैसा शाहनवाज जी के, हाँ ये जरूर बात है, भ्रम आपको जो कहना है कहिए, मैं बहकता नहीं हूँ, मैं डिबेट करने आया हूँ आपसे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अरे सुन लीजिए, देखिए बड़ी मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी भी फ्लॉप हुई है, इसके पहले कांग्रेस भी फ्लॉप रही है चाइना के मामले में, और मुझे याद है कि 1962 से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार ली 2014 तक, कांग्रेस भी फ्लॉप थी चाइना को लेके, आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी करी, भारतीय जनता पार्टी भी चाइना को लेके फ्लॉप है, यही 2013 में भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी जब चाइना ने हलचल की थी बॉर्डर पे, एलएसी पे, तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या चिल्लाते थे, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जब फिर हलचल हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए,
जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आप वही शब्द बोलते हो जब कांग्रेस की सरकार में आप विपक्ष में रह के बोला करते हो। वही मैं बोलना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र की लड़ाई है। आपने इसको बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई बना दी है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, किसी भी दल से पद से और व्यक्ति से बड़ा हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र की बात तो आप करते नहीं हो। और शहनवाज भाई, आलोचना का मतलब समझिए, लोकतंत्र में आलोचना एक मजबूत स्तंभ होता है, निंदा गलतचीत होती है। हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की कूटनीति की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। आप निंदा आलोचना में कृपया अंतर समझिए, जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति कहां है। आप हमारे 20 जवान शहीद हुए उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप हमारे दो ही मकसद हैं, या हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, देश का स्वाभिमान गया, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। एक दूसरा, क्या चाइना को अलग थलग करने की आपकी कूटनीति पूरे विश्व को एक साथ करके चाइना को अलग करती है, तब तो हम मानेंगे कि नहीं आपकी कूटनीति अच्छी है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो समझो कि आप भी वही हो जो कांग्रेस थी, इसलिए आप ज्यादा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, आप तो पद को बड़ा बना दिया आपने, व्यक्ति को बड़ा बना दिया, राष्ट्र को छोटा बना देते हो। फौज की कोई बुराई नहीं करता, मैं सरकार की आलोचना करता हूं, फौज की नहीं। फौज हमारा स्वाभिमान है, राष्ट्र का स्वाभिमान है। हमारे हिंदुस्तान की फौज से मजबूत फौज कोई नहीं है। फौज जब जब लड़ी है हिंदुस्तान के लिए हम जीते हैं, लेकिन आपकी संधियां जब जब हुई है हिंदुस्तान हारा है, ये मान लीजिए। आपकी संधियां सारी फ्लॉप हुई है, चाहे आगरा की संधि हो, चाहे सिमई खाने की संधि हो, लेकिन फौज के हाथ में जब कमान आई है फौज हमेशा जीती है। आप गलत फहमी मत रहिए शहनवाज भाई। और कांग्रेस को ही बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा मत बनाइए इसको, ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है। आप लोग आपस में झगड़ा करके राष्ट्र को अलग थलग कर देना चाहते हो। 130 करोड़ की पॉपुलेशन की जनता की बात नहीं सुनना चाहते। आज जब से घटना घटी है आपने बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा बना दिया। ये बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा नहीं है। जितनी गुनेगार कांग्रेस है उससे ज्यादा गुनेगार बीजेपी है, और जितनी ज्यादा गुनेगार बीजेपी है उससे भी ज्यादा गुनेगार कांग्रेस है। इन्होंने मिलकर देश को बर्बाद किया है, और एक ही पॉलिसी पे दोनों लोग चलते हैं। जो चाइना के मामले में इन्होंने हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया है, एक जन ने झूला झुलाया है। तो एक प्रधानमंत्री गए 5 बार गए, 18 बार मिले, तो दूसरे प्रधानमंत्री ने संधियां की 1962 में, 1966 में, 1964 में। समाजवादी लोग हमेशा से कहते रहे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आदरणीय नेताजी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि चाइना हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम डिफेंस मिनिस्टर थे उसको 4 किलोमीटर पीछे ढकेला था। इसलिए समाजवादियों का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, नंबर वन दुश्मन है, हम हमेशा से मानते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी पर भी आप उतना ही हमलावर है जिस तरफ हमने विपक्ष में आपको रखा है। लेकिन अरविंद जी एक बार बोलें, फिर शाहनवाज जी बोलेगा। अरविंद जी देखिए, विपक्ष लगातार सीधा प्रधानमंत्री पर, उनकी नीति पर हमला कर रहा है। जब मनमोहन सिंह ने भी अपना ये बयान दिया है उसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी है उस शीर्ष नेतृत्व को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे, प्रधानमंत्री पर सीधा हमला। देखिए मुझे बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री भूतपूर्व जो मनमोहन सिंह जी हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, नंबर वन के इंटेलेक्चुअल हैं, और उसके बावजूद उन्होंने हमारे को भी आरोप लगा दिया कि जो सहयोगी दल हैं वो पिछलग्गू हो गए। मतलब ये मर्यादा, वो तो बहुत समझदार आदमी माने जाते हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि उनको भी लिख के दिया जा रहा है कोई ना कोई। नहीं, उनकी लाइन ये है, ऐसे शब्दों का अरविंद वाजपेयी, मुझे नहीं आता कि कभी उन्होंने इस तरह के, नहीं नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने खुद जब ये बयान दिया है तो उनके नाम से गया है, तो उन्होंने पढ़ा तो होगा ही। उन्होंने जो लाइन लिखी है सर, साथ ही पिछलग्गू सहयोगी, अचानक जी बताइए, सुनिए, कभी उन्होंने इस तरह के, साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा कभी उन्होंने नहीं किया होगा, झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता, ये उनकी लाइन है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, और सहयोगी पिछलग्गू होते हैं क्या, इसको छोड़िए, इस पे हम खेद व्यक्त करते हैं। दूसरी बात आई है, अभी अनुराग भदौरिया ने कहा 97 में, मैं पूछता हूँ कौन डिफेंस मिनिस्टर थे, माननीय मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने समझौता किया कि नहीं किया, क्या हथियार लेके नहीं जाएंगे, सीमा पे गोली बारूद नहीं चलाएंगे। देखिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन सुनिए, आप सुनिए, पहले सुनिए, बीच में ना बोलिए, प्लीज बीच में ना बोलिए, आप नीच ना, आपको जवाब दे रहा हूं मैं कि आप भी उतने ही भागीदार हैं जितने कांग्रेस भागीदार है। कांग्रेस ने 62 से लेके, अरे भाई मिस्टर भदौरिया, मिस्टर भदौरिया जवाब देना, आप जवाब दे देना, कोई बात नहीं, बारी में बोल, अभी आप जवाब दीजिए भदौरिया साहब, बस आप बोलिए, जवाब दीजिए। अभी देखिए कांग्रेस का जो इतिहास है वो क्या इतिहास छुप जाएगा छुपाने से, 62 से लेके 13 तक
62 में, 2008 में, 2009 में, 2012 में, 2013 लास्ट दो साल 640 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख की जमीन गई थी 2013 में। सुप्रिया जी बैठी हैं, जवाब देंगी इस बात का। देखिए मेरा कहना बड़ा साफ है, राहुल गांधी हर चीज पे शक शुबा करते हैं। क्या ये शक शुबा जायज है? क्या इस वक्त हमको आपस में लड़ना है कि हमको चाइना से लड़ना है, या हम इनका आरोप का जवाब दें? लगातार ट्वीट पे ट्वीट, क्या इन्होंने तो क्या किया है कि सेना को नहीं बख्शा है? सेना के लिए इन्होंने क्या क्या वर्ड ये किए हैं यूज? जवानों को बिना हथियार किसने भेज दिया? पीएम ने चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या चीन के जमीन पर हमारे सेना मारी गई? शहादत के लिए सरकार जिम्मेदार? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? अभी मान लो थोड़ी देर के लिए चाइना ये कहता है कि हमने लाल किले पे कब्जा कर लिया है, तो क्या आप हमसे क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे या पहले चीजों को वेरीफाई करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, 123 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, सर्वोच्चम पद डेमोक्रेसी का, अभी सुप्रिया जी ने बताया, उस जब उन्होंने कह दिया कि एक इंच जमीन नहीं गई है, कोई घुसा नहीं है और ना किसी, हाँ घुसपैठ जरूर हुई थी, बाकायदा हुई थी, और उसमें हमने उनको खदेड़ा, और यहां तक हुआ कि 45 लोग उनके मारे गए, 20 जवान हमारे शहीद हुए, तो क्यों सेना को भी आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं? कम से कम सेना के ऊपर तो राजनीति ना करिए आप। एक सेकेंड अंजना जी, ये हर चीज को क्रिटिसाइज, सक्सुबा रॉफल पे इन्होंने कितना हंगामा मचाया, उसके बाद क्या हुआ इनका? मतलब जब हम अटैक करेंगे, एयर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो भी क्वेश्चनिंग करेंगे? कम से कम राष्ट्र की जब बात आती है तब तो एक होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वहां सारे क्वेश्चंस पूछे गए, राजनाथ सिंह जी ने प्रेजेंटेशन दिया बकायदा, उसके बावजूद आके बाहर आते ही राजनीति शुरू कर दी। मेरा निवेदन है विपक्ष की पार्टियों से कि इस वक्त सही प्लेटफॉर्म पे सही चीजें पूछिए, पूरी जानकारी बाकायदा दी जाएगी, और अपने प्रधानमंत्री की बात पर पूरा यकीन रखिए। ठीक है, जवाब दीजिए। चार पार्टियां हैं सुप्रिया जी, जिनमें से तीन ये मानती हैं कि किसी को भी इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस वक्त नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि तीन नहीं, मैं भी यही मानती हूं, और मैं ये बिल्कुल भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये हमारे देश की अस्मिता का, हमारी ये भूमि अखंडता का सवाल है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया था, मुझे लगता है आपका डिबेट शालीन रहता है, आप इसको शालीन रहने दीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा बिना किसी के इंटरफेरेंस के। शाहनवाज भाई ने कहा कि हमारी मजबूरी है डिफेंड करना। शाहनवाज भाई, शायद आपने पीएमओ का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर के बोलने वाले स्टेटमेंट के बाद बदला गया। उसमें से वो वर्ड्स हटा दिए गए कि कोई आया नहीं है, कोई घुसा नहीं हुआ है, और ये लिख के दिया गया कि ये सिर्फ 15 जून की वारदात के बारे में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि उस दिन कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, हमारे लोगों ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। तो आप लोगों के शायद तथ्य अभी क्लियर नहीं है जो एलजेपी से बोल रहे थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बदल चुका है। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारिए। मुझे भी लगता है आपकी भी मजबूरी है कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही हो रही है चाइना में। दूसरा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, शाहनवाज भाई, आप बिहार से आते हैं और मुझे पता है कि क्यों आपकी पार्टी और आज आप बिहार रेजिमेंट का नाम ले रहे हैं। वोट की राजनीति गंदी मत खेलिए। ये हमारे वीर जवान थे जो शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान से थे, ये इंडियन आर्मी होती है, ये बिहार की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की आर्मी नहीं होती है, ये भारतीय सेना है। तीसरा और खेदजनक बात यह है कि यहां पर मुझे लगता है बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति सेना पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल जवाब हो सकता है। 2013 की मैं बात करती हूं, 2013 में पब्लिक टेलीविजन पर, पब्लिक डिबेट्स पर, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो यह पूछा जाता था कि कौन से इक्विपमेंट और कौन सा वॉरफेयर यूज हो रहा है यह बताया जाए। बीजेपी के सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मिलने पहुंच गए थे कि बताइए और सरकार पर दबाव बनाइए, हमें बताएं कि कौन से हथियार यूज करने जा रही है सरकार। ये सार्वजनिक टीवी पर बताने वाली बात होती है। अमित शाह जी कहते थे चाइनीज पिकनिक बनाकर चले गए हिंदुस्तान पे, ऐसे आप सेना का मनोबल बढ़ाते थे 2013 में। प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कहां थी आपकी लाल आंखें जब आप झूलों पर पींगे बांध रहे थे, जब आपने 2000 बच्चों के मुंह पर मुखौटा बना के शी जिनपिंग बना दिया था, जब आप हाथ में हाथ डाले शी जिनपिंग के खड़े थे और वो आपके पीठ में छुरा डोकलाम में भोंक रहे थे। आज लाल आंख आपको नेपाल दिखा रहा है। आज बांग्लादेश ने अनुमति दे दिया चाइना को कि कॉक्स बाजार में अपना सबमरीन बेस बनाए।
यह है आपकी कूटनीति। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ, और अंजना जी आपसे यह सवाल है कि आप ये सवाल सबसे जरूर पूछिए कि क्या 1 अप्रैल की स्टेटस को अभी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने अपने कल के बयान में कहा है कि हम स्टेटस को एंटी करने की बात कर रहे हैं चाइना से, मतलब स्टेटस को बदल गया है, उसको दोबारा से 1 अप्रैल पर करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो स्टेटस को बदला है मतलब घुसपैठ हुई है, सैटेलाइट इमेजरी जो आपके लोगों ने दिखाई है उन्होंने भी ये दिखाई है, तो बीजेपी सवालों से ना भागे और सेना के पीछे मत छुकिए, सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो कोई बेवकूफी शक करेगा और हम वो बेवकूफी करते नहीं, हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपसे कहीं ज्यादा भरोसा है। स्वाधीनता की लड़ाई हमने लड़ी थी जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पैंगोंग झील को लेकर तमाम जगहों पर क्या परिस्थिति है, क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप स्पष्ट करें घुसपैठ को लेकर? देखिए अंजना जी, जो सुप्रिया जी और अनुराग जी का जो सवाल है की बात बताएं। जी जी सुप्रिया जी, आपने कहा कि आपके बीच में नहीं, तो मैं भी आपका सवाल धीरज से मैंने सुना है। पहली बात तो ये, मैंने जो रेजिमेंट वहां खड़ा था उसका नाम लिया, कहीं से भी बिहार के चुनाव का नहीं। ये आप लोगों के ख्याल और ख्वाबो ख्याल में राजनीति और चुनाव रहता है। मैं बिहार से हूँ, वहाँ के ये जरूर है कि बिहार के कई जवान शहीद हुए, देश के जवान हैं, चाहे वो संतोष बाबू हुए या कोई बिहार रेजिमेंट के, वो संतोष बाबू जो थे वो उसी के बिहार रेजिमेंट के ही थे, ये मैं आपको बता दूँ। तो वो कहीं भी हमारी नियत में ये सब नहीं है जो आप लोगों के नियत में रहता है चुनाव। दूसरी बात, आपकी नियत तो सारे देश के सामने, जो आपने समझौते किए थे, आपने तो हाथ बांध कर खड़े रहने को कहा था, हमने वो सब समझौते तोड़ दिए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जवाब दे दीजिएगा कि जो आपने कांग्रेस ने जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, वो MOU आपने त्याग दिया या नहीं? अभी तक आपका चल रहा है, अभी तक आपका स्टेटमेंट, आप तर्जुमान है, आपके जरिए नहीं आया कि आपने वो कांग्रेस पार्टी का जो कम्युनिस्ट पार्टी से जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तोड़ा कि नहीं। तीसरी बात, आप यकीन रखिए प्रधानमंत्री पर, आपको सर्वदलीय बैठक में भी बताया, चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया, और आप कह रहे हैं कि हम शौर्य पर कोई सेना पर सवाल नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी जी हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा रहे हैं, वहां पर कोई बीजेपी का वर्कर नहीं लड़ रहा, वो हमारी सेना लड़ रही है। और सेना जब लड़ रही है, जब हमारे सैनिकों ने 20 लोगों ने शहादत दे दी और उनके 45 से ज्यादा सैनिक को मार डाला, उसके लिए दो शब्द उत्साह का कहना चाहिए आपको या आपके नेताओं को? नहीं, क्या सुबह से शाम तक आप लोगों ने तय कर लिया है या ट्वीट बना के रख लिए हैं, रोज एक ट्वीट करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी को राजनीति के तहत जानबूझकर सुरेंडर मोदी लिखकर जिस तरह का संदेश भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा, ऐसा शब्द तो चाइना नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं कि चाइना हमारी तारीफ कर रहा है, और मैं कह रहा हूं जिस तरह के शब्द आपने लिखे नरेंद्र मोदी जी के लिए, ऐसे तो दुश्मन देश का नेता भी नहीं लिखेगा। क्या उसके लिए खेद जताती या नहीं जताती? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर सियासत क्यों सूझ रही है? ठीक है, आपने एक नारा बना लिया था राफेल के वक्त में प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, लोकसभा के वक्त में अपमानित करने का, चुनाव के वक्त में आपने शायद फिर तय कर लिया है कि आपको कोई मौका मिल गया है चाइना के कंधे पर बैठकर नरेंद्र मोदी को अपमानित करेंगे, ये स्वीकार नहीं है। देश के लोग एकजुट हैं, मैं मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी में भी लोग जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले होंगे वो जरूर मानेंगे कि अभी ये वक्त नहीं है। आपने 62 में 6 में, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया, आपने 12-13 के अंदर, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर था, ये चाइना का सवाल हमने उठाया, लेकिन हमने ऐसे ओछी राजनीति नहीं की जिस तरह के ओछे ट्वीट आपके तरफ से आ रहे हैं। अपमान आप कर रहे हैं, अरे चाइनीज प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखी है ना ट्वीट, एक भी ट्वीट है जो आपने चाइनीज के खिलाफ लिखा हो? अपनी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख रहे हैं, दुश्मन देश के खिलाफ बोलिए ना, आप मुख्य विपक्षी दल हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ लिखे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री के खिलाफ। शाहनवाज भाई, आप तो सोशल मीडिया पर हैं, आपको तो सब पता ही है वहां पर क्या हो रहा है,
और आपने तो देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो गलत बयान उन्होंने गलती से बोल दिया था, जिसका संशोधन हुआ बाद में कि कोई घुसपैठ नहीं वाला बयान बदला पीएमओ ने, उस पर लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राव या जो एम्प्यूटी कर्नल डीपी सिंह है जिनकी टांग चली गई थी कारगिल के दौरान, या जो आर्मी कमांडर्स रहे उन्होंने क्या कहा? उनमें से काफी लोगों ने तो कहा कि हमें दुख है, हमने 70 साल इस देश की सेवा में अपने दे दिए कि भूमि का एक कतरा ना जाए, और आज प्रधानमंत्री ने ऐसी बात क्यों कह दी। खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, वो एक सेना की दुखती रग है। आपसे मैं ये बात करना चाहती हूँ, आप उत्साहवर्धन की बात करते हैं शहनवाज भाई, आप तो यंगेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, आप तो काफी पहुंचे हुए आदमी हैं। 62 की बात बार बार करके सेना या तो जंग जीतती है या हारती है, लेकिन 62 की बात बार-बार करके जो आप उत्साहवर्धन करते हैं या मनोबल कम करते हैं, आप 67 की बात क्यों नहीं करते हैं, आप 71 की बात क्यों नहीं करते हैं, आप उन जंगों की बात क्यों नहीं करते हैं जिसमें हिंदुस्तान ने विश्व का भूगोल बदल दिया, जिसमें चाइना के घर में घुसकर उनको मारा और बिना ये नारा लगाए, नारा तो आपका था, मारा तो हमने था घुस के, आप उनकी बात क्यों नहीं करते, क्योंकि मनोबल तो वो चीजें बढ़ाएंगी। खैर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इसलिए स्पष्टीकरण दे देना चाहती हूं क्योंकि हर डिबेट में आपका यही रोना होता है एमओयू का। अब आज आप भी यह स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि 26 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के बीच में 11 मेंबर की बीजेपी की टीम, जिसका अध्यक्षता आपके जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने करी थी, वो सीपीसी के इनवाइट पर चाइना गई थी, सीपीसी के सारे शीर्ष लोगों से मिली थी, तत्कालीन प्रेसिडेंट अमित शाह की ओर से एक चिट्ठी भी ले गई थी, और उन्होंने अपने लिखित स्टेटमेंट में यह बोला था कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पार्टी टू पीपल पार्टी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि हम सरहद की बात करें, हम कल्चर की बात करें, हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें, हम अपने इतिहास की बात करें। वो क्या था? 2008-09 में संघ परिवार से बलबीर पुंज, राम माधव जी, चंदन मित्रा जी, ये सब लोग कौन सी विचार विमर्श करने गए थे? ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जो पार्टीज में होती है, जो आपकी पार्टी ने भी करी है। तो इस तरह की जो झूठ वाली बातें हैं, ये अपने जो झूठ के सरगना पार्टी में उनके लिए छोड़ दीजिए जो ट्विटर पर झूठ लिखते हैं। आप एक सम्मानित सदस्य हैं, आप झूठ मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता है। और अगर झूठ बोल ही रहे हैं तो इसका भी फिर स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके लोग सीपीसी के इनवाइट पर क्या कर रहे थे वहां पर। और महाबलीपुरम में प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को कौन सी लाल आंख दिखाई कि डोकलाम हो गया, बताइए। झूला झूला उन्होंने, झप्पिया पप्पिया उन्होंने करी, ठीक है, क्या रिश्ते कर लिए, हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ा दी। जी जवाब आयात करते थे, अब हम हर व्यक्ति के लिए 6,000 रुपए का आयात कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है, मैं एक बात कह दूं कि जब सोनिया जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था तो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको इनवाइट किया गया था और उसमें आपका वो समझौता हुआ था, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। मेमोरेंडम, तो मेरी गुजारिश है कि सुप्रिया जी आप ये बात पहुंचा दीजिए, मेरी गुजारिश कि वो एमओयू को, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कम से कम आपको कैंसिल। जी मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं जवाब दे देता हूँ, मैंने आपकी बात सुनी है ना, मैं आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक तो कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पहल करे, आप पढ़ी लिखी हैं, आप उनको संदेश दीजिए कि आपको दिक्कत होती है जब ये सवाल उठते हैं, तो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब शहादत होगी जवानों की तो वो कैंसिल करना चाहिए। दूसरा, जो अरुण सिंह जी गए थे वो कई मुल्कों में डेलीगेशन जाता, हमने कोई मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं किया था, आप गवर्नमेंट के मेहमान थे। तो प्रधानमंत्री, मैं भी सिडनी ओलंपिक में लीडर ऑफ डेलीगेशन होकर सिडनी गया था, क्योंकि वो सरकार को इन्विटेशन आता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाता है, लेकिन वहां तो बीजिंग ओलंपिक में प्राइम मिनिस्टर को इन्विटेशन नहीं करके माननीय सोनिया जी को मिला, और उसमें आप लोग गए जब वो समझौता हुआ, उसकी तस्वीर भी आज मैंने देखी, तो मैं कहता हूँ पहले उसको कैंसिल कर दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई एमओयू हमारा नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी दिखा रही है सुप्रिया जी, कौन सी फोटो है सुप्रिया जी, कौन सी फोटो? वो मेरे पास भी फोटो है, मैं भी दिखा देता हूँ, मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। जी सीपीसी के सारे, वो तो मैंने कहा ही, सीपीसी के सारे सुप्रिया जी, वो तो मैंने बोला ही कि ये सीपीसी का इनवाइट था हमारे, जिस पर आप गए थे और जिस पर आपने बॉर्डर तक, लेकिन हमने कोई मैटर पर, देखिए कोई मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं की थी हमारे, उसमें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, वो चाइनीज प्रेसिडेंट खड़े हुए नहीं है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, सुनिए ना, मैं आपको ये फोटो, कौन से संघ परिवार ने जाके चर्चा कर दी बताइए उसके बारे में। नहीं नहीं, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, बताइए ना, 2008-09 की बात को सार्वजनिक करिए। जी मैं तस्वीर दे, उस तस्वीर के, तस्वीर में एक काउंटर तस्वीर जवाब दीजिए, ये सब बेकार की बातें मत करिए।
आप जवाब दीजिए, बेकार किया। अच्छा मेरी बात बेकार किया, मैं आपकी आदर करती हूँ, मैं आपसे तूतू मैमे की बहस नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे तूतू मैमे की बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप सरहद की सिचुएशन पे आंसर दीजिए आज, बातों को मत बरगलाइए, सवालों से मत भागिए। और एक बात मैं भी जिस देश में संवाद देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ ना, आपने क्या फोटो सर अच्छा समझकर मनमोहन सिंह जी ने आज एक हिदायत दी फोटो प्रधानमंत्री के नाते, आप उस पर आक्रमण कर रहे हैं। जी दोनों एक दूसरे की पोल खुद ही खोल रहे हैं, सब पता चल रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने वक्त वक्त पर अपने अपने तरीके से चीन की तरफ हाथ बढ़ाते रहे। शाहरवाज जी को फोटो ही नहीं मिल रही है। भदौरिया साहब कितने आराम से आपने देखा, उधर शहनवाज भाई, इधर कांग्रेस की प्रवक्ता, वो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी की माला जप रहे हैं। उधर वो कांग्रेस सोनिया गांधी जी की माला जप रही है। भैया इसमें राष्ट्र कहाँ है? मुलायम सिंह यादव की जप रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस हो गया क्या? आप मुलायम सिंह यादव की जप रहे हैं? मैं तो इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने डंके की चोट पे बोला था, आदरणीय नेताजी ने डंके की चोट पे बोला था, सदन में खड़े होकर बोला था कि भाई आप कांग्रेस पे, इस पे सोनिया, चाइना पे भरोसा मत करना, चाइना धोखेबाज देते हैं। उन्होंने डंके की चोट पे सदन के अंदर बोला था। बोलने वाले तो बहुत, भारतीय जनता पार्टी नहीं चिताया, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए। बोलने वाले नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया था। आपको याद होगा जब जब वो रक्षा मंत्री थे तो 1 किलोमीटर हमारी चाइना चीन की सेना घुसाई थी, उन्होंने 4 किलोमीटर वापस, 1 किलोमीटर वापस भेजा था। हमने करके दिखाया था, हमने इस तरह से तूतू मैमे नहीं की। ये सरहद पे जो हमारे जवान शहीद हुए, हाँ शाहनवाज जी दिख रहा है। अंजना जी ये तस्वीर देखा देता हूँ, राहुल जी भी दिखा रही, तू मैंने पढ़ी है बीजेपी कांग्रेस, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए राहुल जी समझौता कर रहे हैं, माननीय सोनिया जी, आनंद शर्मा जी खड़े हैं, और पीछे देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट भी खड़े हैं। ऐसी कोई तस्वीर है क्या हमारी पार्टी की, सुप्रिया जी आपके पास? ये देखिए, ये समझौता कैंसिल कर दीजिए, ये मैं थोड़ी तो पॉलिटिकल समझ रही है, यही बचा आपने इसको। अरे भाई देखिए मैं कह रहा हूँ, अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये समझौता रद्द कर दीजिए सुप्रिया जी, ये समझौता रद्द करवा दीजिए, आपको डिबेट करने में बहुत आसानी होगी। मैं आपसे एक गुजारिश कर रही हूँ शाहनवाज भाई, अपने से बड़ा समझकर, आपको अपने से बड़ा समझ के गुजारिश कर रही, मैं तो आदर कर ही रहा हूँ आपका, इसलिए कहा। 2019 की बातें जो आपने सीपीसी से शेयर करी उसको सार्वजनिक करिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए, आप बातें सार्वजनिक करिए। देखिए अंजना जी, मैंने ये ट्विटर पे और एक बात मैं और कहना चाहती हूं, तलाशी है, मैं कह रहा हूँ ये वाली जो बार कह रहे हैं कि देश, सुनिए एक मिनट सुप्रिया जी, ये एग्रीमेंट जो हुआ है ना, कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि इसके पीछे चाइनीज प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इसलिए कैंसिल करा दीजिए। आप भी स्पष्टीकरण दीजिए, आप सार्वजनिक करिए आपकी क्या बातचीत हुई, आप सार्वजनिक करिए आपकी क्या बातचीत हुई, मैं जवाब देता हूं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, अरुण सिंह जी गए थे, उन्होंने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा था, उन्होंने कोई मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं की थी। एक मिनट मैं जवाब दे दूं सुप्रिया जी का, सुप्रिया जी जल्दी से पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं आपका सवाल था कि अरुण सिंह जी गए तो क्या समझौता किया, उन्होंने कोई इस तरह का समझौता नहीं किया, अपना पक्ष रखा कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और दो मजबूत राष्ट्र के बीच में अच्छे रिश्ते हों। हमने चाइनीज प्रीमियर को बुलाया भी इसलिए, आप कहते हैं झूला झुलाने के लिए, झूला झुलाने के लिए नहीं बुलाया, भारत एक बड़ी उभरती शक्ति है और चाइना के जब कोई हेड ऑफ स्टेट आते हैं उनको सम्मान देते हैं, ठीक है, हमने इसलिए नहीं दिया। बात पूरी करने दीजिए फिर मैं वाजपेयी जी के, और जो भदौरिया जी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, भदौरिया जी की पार्टी का, देखिए आपने शहनवाज भाई सुनिए, बहुत बोल चुके शहनवाज भाई, बहुत बातें करते हैं, अरे सुन लीजिए आप, अरे कृपया सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, सेना के साथ खड़ा रहिए भदौरिया जी। मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपने अंजना जी देखा कि 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट से वो अपनी फोटो दिखा रहे हैं, वो अपनी फोटो दिखा रहे हैं। दूसरे आप बताइए, जो सरहद पे हमारे 20 जवान शहीद हैं उनके बारे में आपने बताया कि वो कैसे शहादत मिली उनको, क्या कंडीशन में उनको हुआ, क्या बात हुई थी, जो इस तरह से उन्होंने लाठी डंडे से उसमें कीलें जो लगी हुई थी, इस तरह से हमारे जवान को बुरी तरह से पीटा गया, इसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी, वो कंडीशन क्या थी, क्या वो हमारे सरहद पे थे, क्या वो चाइना के अंदर पहुंच गए थे, आप इसके बारे में नहीं बताएंगे, या उनकी जो शहादत हुई है उसके बारे में
सरकार ने क्या प्लान किया है? क्या शहादत को देश का स्वाभिमान, जो अंदर से देश को गुस्सा है, रोष है देश के अंदर में, उसको देश के रोष को आप कैसे शांत करोगे? कैसे देश को ये शांति मिलेगी कि आपने उनके लिए कुछ किया? आपने चाइना को आईना दिखाया, चाइना से आपने कुछ बदला लिया, चाइना को कुछ आपने ताकत दिखाई अपनी? आप सिर्फ यहाँ टीवी पे खाली बकर बकर करेंगे कि कुछ करेंगे भी, क्योंकि देश जानना चाहता है? आप वही बोलते थे 2013 में, आपको याद है 2013 में आप 45 से ज्यादा चाइनीज थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, 40 से ज्यादा चाइनीज आर्मी के लोगों की गर्दन मरोड़ कर हमारी सेना ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। क्या बात करते हैं भदौरिया जी आप, अपने सेना पे गर्व कीजिए। हमने चाइनीज सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कांग्रेस ने समझौता किया था, हाथ बांधा था कांग्रेस ने, हमने हाथ खोल दिया है। क्या बात करते हैं, पूरी हमने ताकत दे दी है। हमने कह दिया है कि जो चाइनीज हमने अपने सैनिकों की जो बंधन कांग्रेस ने बांधा था सेना के ऊपर, वो हमने बंधन तोड़ दिया है। हमने अपनी आर्मी को कह दिया है कि अगर चाइना को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। जो कांग्रेस ने सेना के हाथ बांधे थे वो हमने हाथ खोल दिया है। हमने चाइना को उसी भाषा में जवाब दिया है। अगर नाथुला में जवाब दिया था, नाथुला के बाद पहली बार चाइना को ये हमने लद्दाख में जवाब दिया है। चाइना को ऐसी पार मारी है कि चाइना भूल नहीं पाएगा। चाइनी हमारे 20 लोग शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के 45 से ज्यादा चाइनीज सैनिक की गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी। हमारे सैनिकों ने शहादत का जाम पी लिया, लेकिन सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। जो कांग्रेस राहुल गांधी का ये मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी का सीपीसी के साथ, यहाँ पर अलग तस्वीर दिखाई जा रही है। मोदी जी ने ये कर दिया, ये टांग खींचने का वक्त है या ये समझने का कि परिस्थिति कितनी गंभीर इस वक्त बनी हुई है चीन को लेकर? मिस्टर वाजपेयी भाई, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता, वो सब रिकॉर्ड पे है। उससे हमारे पार्ट पे आप गलती बताइए, आप बताइए ना सर। गलवान पे हमने ब्रिज बनाया है, आप वो तो मैं भी दिखाने लग जाऊंगा ये दफा मिल के क्या परिस्थिति है। पूरा ब्रिज बना दिया हमने, क्यों नहीं आती है? मेरी मैं वही बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए ना, मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ कि गलवान घाटी पे हमने ब्रिज बना दिया, उसकी फोटो हमारे पास भी है, सब लोग देख सकते हैं। देखिए हुआ क्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन नहीं है, सिर्फ पेट्रोलिंग होती है, फिंगर 8 तक होती है, फिंगर 4 तक होती है, फिंगर 14 तक होती है, उसी का झगड़ा है सारा। उन्होंने क्या किया, फिंगर 8 पे आके जमने की कोशिश की, जब जमने की कोशिश की तो सेना ने उनको खदेड़ दिया, और खदेड़ा भी पूरी बहादुरी के साथ, और वो नहीं जम पाए वहां पे। देखिए चीजों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के अगर स्टेटमेंट को नहीं मानोगे, डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को नहीं मानोगे, फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को नहीं मानोगे और चाइना की स्टेटमेंट को मानोगे, मतलब कहां का न्याय है ये? मतलब आप अपने देश को मानोगे या दूसरे देश की बात को मानोगे? मतलब इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए ये इन्होंने अभी सुप्रिया जी ने कहा कि फिंगर 8 पे क्या पोजीशन है, आप हमें बताइए बताइए बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जानकारी नहीं है। तो जब आपको जानकारी नहीं है और जो सरकार जानकारी दे रही है उस पर क्यों नहीं यकीन करोगे? और उसके बाद देखिए हमने क्या किया, खटाखट इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी शुरू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने शुरू कर दिए। हमारे जो जो डिफेंस मिनिस्टर मास्को जा रहे हैं वहां चाइना से बात नहीं करेंगे। देखिए जो जो डिप्लोमेटिक तरीके, ये तो ये चाहते हैं कि अभी अटैक कर दो। क्या इस तरह से अटैक होता है? 1971 में अप्रैल में जनरल मानिक शाह से बात हुई थी और एक साल बाद अटैक हुआ था, तो इस तरह की भड़काऊ वाली बातें ना करिए। सियासत की कोई सरहद नहीं। जी हाँ, एक तरफ चीन को लेकर परिस्थितियां ऐसी कि इस वक्त भी कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ सियासत देश में जो थमने का नाम नहीं ले रही, राहुल गांधी लगातार हमलावर होते हुए, बीजेपी ने भी जमकर जवाब देना शुरू किया है, कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाया है। देख रही आज तक।